जयकारा गुड़गा मेवाड़ी माता का बोल सच्ची दरबार की। बच्चे नहीं हो रहे हैं, 5 साल हो गए हैं तुम्हारे। ठीक है, क्या नाम है? संगीता। तेल लेके आयो? हाँ। हस्बैंड का नाम? सतीश। अरे बाहर अर्जी लगी थी जब बच्चे होने की भाई, तब कहाँ थे तुम? वहीं खड़े थे। तो आए क्यों नहीं आगे? नाम नहीं बोला। नाम थोड़ी बोलेगी भगवती, कि जिसको बच्चे पैदा नहीं होते हैं। माता पहली दफा आए हैं हम। पहली बार आए हैं। कहाँ से आए हो? बर्थ बिहार से आए हो? कहीं के किसी का गंडा ताबीज बजा हुआ है तुम्हारे? ठीक है, डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई थी? दोनों हस्बैंड वाइफ का चेकअप करवा लिया? रिपोर्ट क्या बता रही है? तुम्हारी भी? इनकी नॉर्मल टाइम, मेरी दिक्कत है। तेरी बच्चादानी में कुछ इन्फेक्शन में दिक्कत है और तेरे वो ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है बाबू, भगवती गोद भरेगी, पर बाबू तुझे भगत की भी मतलब और डॉक्टर की भी दोनों चीज लेके चलनी पड़ेगी जब तू बाबू गर्भवती बनेगी। ठीक है भाई, कौन है बार? अच्छा अब बाबू तू सिर धोए ना, सिर धोने के बाद ये देख लेना मंगल पड़ रहा है शनिवार पड़ रहा है, जब अपनी गोद भरवाने आ जाना। पर पूछ लेना कि मंगलवार को, अगर मंगलवार पड़ रहा है तेरा चौकी है कि नहीं है, अरे तो शनिवार को तो गोद भरवा लेना। ठीक है बाबू, और डॉक्टर का इलाज चला देना, हमारी जड़ तुझे सच्चे दे दीजिए। ठीक है बाबू, चलो अरदास लगवा दो इसके नाम, दोनों हस्बैंड के नाम से बाबू, माँ भगवती के नाम की, कि माँ भगवती मेरे घर भी लाल खिला दे, मेरा वंश बेल चला दो। जब मेरा वंश बेल चल जाएगा माँ, मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो माँ मैं तेरी कढ़ाई लगा दूंगी। ठीक है, हंसते खेलती माई मेरे घर में खुश खबरी सुनाते। ठीक है बाबू, भाई दो नारियल मंगवा लो और एक बच्चे वाला किलो ना मंगवा दो और अरदास लगवा। ठीक है, चलो भाई आगे आओ भाई। फोन में से कॉपी निकाली है? हाँ जी। सुबह लड़की है ये? हाँ, मेरी बेटी है, दामाद है। कब खत्म हुई है ये? चौथा महीना चल रहा है, मैं 3 महीना आपके पास से माता रानी की। ये गर्भवती थी क्या? नहीं। हाँ नहीं थी। किडनी दी थी मैंने अपनी, किडनी खराब थी। तुमने इसको किडनी दी थी? हाँ। तब भी खत्म हो गई? हाँ। 3 महीने से आई हूँ आपके पास माता रानी। बाबू अल्सेट में गई है ये और डॉक्टरों की बीमारी में भी गई है। करा धरा? घर के नहीं, बाहर के? बाहर के नहीं, रिश्तेदार में मतलब इसकी ससुराल की तरफ से किसी ने करा धरा है, औरत है वो जिसने करा है। एक महीना में मतलब उसको उल्टियां भी पड़नी, तबीयत खराब, डाउन होती चली गई थी उसकी तबीयत। ठीक है, और दिखा रही है, करने वाला भी अच्छे से जानता है, अपने घर का ही बंदा है, इसकी ससुराल की तरफ से है और कोई लेडीज है, मौलवी का इलाज, मौलवी के वहाँ पे जाके करवाया। ये देखना, ये बहू बेटी है मेरी। ये बहुत परेशान करती है बहू तुम्हें। हाँ। दिखाओ भाई। 3 महीना हो गए मेरे बेटा, जैसे पहले बोलता है ऐसे नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। 1 साल हो गई उसको, बहू को, बहू बेटे को, दोनों शादी में? नहीं शादी में तो छठी साल लग रही है। छठी साल लग रही है? बेटा ठीक था। अच्छा, अब 1 साल। क्या नाम बहू का? बबीता। बबीता नाम है। गंडे वंडा बांधा हुआ कितने घर बेटे ने? इसने कोई गंडा वंडा दिया रखा है तेरे बेटे को बांधने के लिए? नहीं तो कुछ नहीं दिया, मैंने तो देखा नहीं ना हाथ में ना गले में कहीं। बहू तेरी कम सुनता है, इसकी ज्यादा सुनता है। हाँ। इसी के कहने से चलता है, इसी के कहने से दो बात तो मैं जलखोरी सुना देता है। हाँ, 1 साल हो गई। ठीक है, बिगड़े हुए? हाँ। माता रानी मैं आपके पास ही से गुड़गावा से तेल लेके आया है। ठीक है, क्या नाम है? पिताजी का? भगताई कौन करता है तेरे परिवार में? कोई भगताई?
देवता किस किस चीज पे खेलते हैं? तुम लोग नहीं करते इतना। किसी भगत के पास गए थे पहले तुम पूछा करवा रहे? पहले क्या हुआ? कितने दिन हो गए? शादी हो रही थी? कब आ रहा है? तेरा भाई भी है कोई? मेरा भाई नहीं। पर ये तो भाई खड़ा दिखाई दे रहा है, कोई मरा तो नहीं है तेरा कोई भाई बड़ा? मम्मी हाँ बताते हैं बड़ा भाई है, मोटा था मतलब होते साथ खत्म हो गया था। एक जवान मौत दिखा रही है, घर में चिक चिक बाजी होती है तेरे? हाँ। जैसे ये लड़ाई झगड़े जैसा, कोई कहना नहीं मानता, अपने मुहार चलता है घर में, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े करने। हॉस्पिटल में एडमिट कौन होके आया था? हॉस्पिटल में एडमिट मम्मी को शुगर है क्या? वैसे डॉक्टर बताया हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम है? बहुत दिन हो गए एडमिट। क्या काम करते हैं बाबू तू? मैं सीएससी सेंटर में जॉब करता हूँ, पढ़ाई भी करता। कोई रोजगार रोजगार नहीं बन पा रहा तेरा? मतलब कुछ काम धंधा करता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कमाई वमाई में भी? यहाँ तेरी कुल की देवी कौन है? कुल की देवी कौन है तेरी? कुल की देवी कौन है आपकी? किसको मानते हो? माता को? माता को। गुड़गामी वाली तेरी कुल की देवी है? बावरी को भी मानते हो? ठीक है। ये कौन है तेरा? ये रिश्तेदार में वो लेके ये लेके आ चुके। अच्छा तेरा राम है? पैसा भी कर्जे पे जा रहा है इनका? कर्जा बहुत, कुछ कर्जा इनका, कुछ कर्जा ले रखा है, कुछ कर्जा दे रखा है। पैसे भी नहीं, ऐसा हो रहा है इनके साथ, जाते भी नहीं जो दियो। और जिसको दे देते हो देने का नाम ही नहीं लेता, तारीख डेट तक देता है। भाई काम धंधे खुलवाओ, इनके रोजगार खुलवाओ, इनके घर के देख देवता मनवाओ, इनके पितर मनवाओ। वो किसी को खून की उल्टी पड़ी थी क्या? एक बार बहुत पहले मेरे पापा पापा की हुई थी, खून की उल्टी पड़ी थी। तुम किसी का बच्चा बच्चा भी देते हो? किसी की भेंट भेंट देते हो? मसानी मुसानी की बच्चा बच्चा चढ़ाते हो? पहले कभी दिया था, बहुत पहले जब मैं तुमको छोटा था दिया था। ये मारकपुर वाली भी पूछती है क्या तुम्हारे? हाँ। अरदास लगवाओ बहन की, गुड़गामी वाली की, मारकपुर वाली की, इनके दही देवता के नाम की, पितरों के नाम की, और कांच बावरी हो गई, केसवल बावरी। तुम्हारे केसवल बावरी पूछता है, झुकता है। करवाओ बहन के दही देवता मनवाओ। पता नहीं है, एक ही लड़का है तू? कोई बाबू तेरे घर में भगता ही तो कोई तगड़ी वाली करता है? पब्लिक आवन के दूर है करता है कोई? पहला आया कर तीन दिन दो ना सो लिया, गलत तरीके से कर। माई की कढ़ाई कहाँ गई? हाँ मैं ये पूछनी आई थी, सविता बोल रही थी, बुआ जी तूने दोबारे जाना था मत चौकी में, और पूछ लेना था माता रानी से, बोली एक बार। जब माई ने तुम्हारे सारे काम कर रहे हैं और कर भी दिए, तो तुम माई की कढ़ाई तो लगा दो बाबू। हाँ तो मैया रानी पता नहीं है ना इतना ज्ञान। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब सब ठीक चल रहा है? हाँ मैया रानी। आप फिर तो रो क्यों रही है? पता नहीं मैया रानी, दिल भर आया। अच्छा दिल भर आया, कोई बात नहीं, माँ को देख के हर किसी का दिल भर जाता है। माई इसके जो भी थोड़ी बहुत मन में उम्मीद लेके आई है ना, वो उम्मीद तो ये बता नहीं पा रही है, पर वो उम्मीद इसकी पास करवा दे माई,
थोड़े बहुत रुके और काम है इसके, ये कह रही है हो गया है, हुए नहीं है, पर वो भी करवा दे ठीक है। और कढ़ाई की पूछ लो बच्चों से ठीक है। चलो मैया रानी। हाँ बोल बाबू। माता रानी तो इसने काम तो करे लेकिन मैं देखो ये मन में है कि मैया रानी रात को जगो आएगी, अगर सबको दिल में आ गया तो रानी जिठानियों को हाँ भाई रात जगाएंगे। हाँ लेकिन ये है कि बड़े पापा जो हैंगे वो थोड़ा सा मतलब आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे। बाबू देख पहले तेरा तू जब पूछ के गई थी जब तेरा कोई कुनबा राजी नहीं था। हाँ अब तेरा कुनबा राजी हो गया ना। हाँ ये गारंटी है भगवती को जब तेरी रात लेनी होगी ना जब तारीख देगी तेरे ससुरे ने भी तेरे ससुरे के भाइयों ने भी सब ने आगे खड़ा करवा देगी। मैया रानी मैं इस बात की वो नहीं रखूँ ना आग भाई मैया रानी कदे मेरे तो कोई मतलब सुन बाबू ना 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 ऐसा कुछ नहीं है कि कोई संकट आएगा। जब भगवती अपनी रात लेगी तो क्यों संकट आएगा पहली बात बता। तो मैया रानी हाथ जोड़ के उसके पैसे दे रखे जब वो कहेगी ना मैं तो धोली पसार का खड़ी। कोई बात ना जब वो तेरा काम कर देगी ना भगवती जो तेरे दो चार जने मना पीछे हट रहे हैं जब राज्य होगा ना अपना आप करवा देगी तेरी रात जो रुक रही है। गुरु जी परिवार तो सारा कुछ है लेकिन थोड़े पैसे किसी के मतलब हाथ में नहीं है। लेकिन पिताजी माता रानी की दया तो ये भी काम होगा लेकिन पिताजी करेंगे तभी कुछ होगा ना। बाबू देख सुन पिताजी करो ना करो तुम हो भी फिलहाल घर के, उसकी तो उम्र बीत गई जो बीतनी थी उसकी तो बीत गई। पर तुम जब आगे हाथ बढ़ाएंगे ना तुम्हारा ससुरा अपना आप बढ़ जाएगा। सुन भाई तुम ससुरे के ऊपर आस मत लगाओ उसका तो बुढ़ा दिमाग हो लिया है। इब तुम उसे रोटी देंगे तब राजी ना देंगे तब राजी, उन्हें खानी होगी तो किसी भाई के दौड़ के तो बैठ के खा लेगा अरे तो चार गाड़ी तुम्हें बकनी तो बकनी है उसने तो। उनकी ये नहीं कह रहे वो कि आगे पैसे तुम्हारे। हाँ गुरुजी मैया रानी की दया से आई गए हाथ में पता क्या कह रहे हैं हाथ में आए ये तो कोई कुछ करो या ना करो पैसे मिले। तेरे ससुरे को कितने पैसे मिले तन्नू का? मेरे ससुरे को गुरुजी एक प्लॉट बेचा हैगा 125 का एक।